नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंशिका गुप्ता। आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। आरजे न्यूज में आपका स्वागत है। जागरण युवा संगठन एवं दुर्गा वाहिनी द्वारा मनाया गया मातृ पूजन दिवस। हम आपको बताते चले कि बरेली राज जागरण युवा संगठन एवं दुर्गा वाहिनी के संयुक्त तत्वधान में 14 फरवरी प्रेम दिवस के उपलक्ष्य में 7 फरवरी को कांति कपूर स्कूल के परिसर में माता एवं पिता के प्रेम का महत्व बताते हुए उनके अटूट प्रेम को मातृ पितृ पूजन दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम माता पिता का पूजन कर बच्चों ने तिलक किया एवं उनका आशीर्वाद लिया। सभी ने इस वैदिक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए बरेली में वृद्ध आश्रम के माता पिता को एवं अनाथ बच्चों को एक साथ पूजा करवा कर दिवस को धूम धाम से मनाया गया। इस मौके पर साधना सिंह ने बताया कि आज हमारा समाज पश्चात संस्कृति अपना रहा है, हमारी भारत संस्कृति को भूलता जा रहा है। अगर हमें भारत को विश्व गुरु बनाना है तो हमें भारतीय संस्कृति को अपनाना होगा। इस मौके पर सतीश गुप्ता ने बताया कि आज की युवा पीढ़ी के गलत रास्ते पर जा रही है, माता पिता जिन्होंने जन्म दिया है उनको भूलती जा रही है। कार्यक्रम द्वारा हमारा युवाओं से संदेश है, सभी अपने माता पिता की सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इस मौके पर कार्यक्रम आयोजित मोनिका डॉक्टर रुचि कपूर, सीमा गुप्ता, पूजा कालरा, मोनिका अनुराधा शर्मा, दिव्या गुप्ता, तजेंद्र कौर, नीमा भंडारी, प्रिया कश्यप, अमित भारद्वाज, महेंद्र टिकियानी, जीतू देवनानी, विशाल मल्होत्रा, आशु अग्रवाल, सौरभ शर्मा, अंकित पाठक आदि रहे। मेरा नाम दिव्या गुप्ता है। आज हमारा एक कार्यक्रम ये है कि जैसे कि आज की युवा पीढ़ी हमारी भटकती हुई जा रही है, जैसे कि वैलेंटाइन डे और ये सब मना रहे हैं, पर हमारी भारतीय संस्कृति में ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मात्र आज हम लोगों ने प्रोग्राम रखा है मातृ और पितृ पूजन, जिसमें माता पिता का पूजन कर रहे हैं बच्चे और उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। जिस तरीके से जो संस्कार हम लोग युवा पीढ़ी भूलती हुई जा रही है, आज उसको हम उस प्रोग्राम के जरिए उन संस्कृति के बारे में बताना चाह रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए। अगर हम अपनी युवा पीढ़ी को नहीं इस बारे में जानकारी देंगे तो ऐसे ही भटकती रहेगी। इसलिए सभी से यही हमारा अनुरोध है कि इन बच्चों को जो हमारे संस्कार पुरानी पीढ़ी जो सिखाती थी उनको आगे हम बताएं। जब तक हम बच्चों को नहीं बताएंगे तब तक उन चीज़ों को नहीं समझेंगे और वो भटकते जाएंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम डॉक्टर रुचि कपूर है और मैं जी आज जो है हमारी दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति और राष्ट्र जागरण युवा संगठन की ओर से जो है यहाँ पे, जैसे हम सब जानते हैं कि ये जो फरवरी का महीना है कि पाश्चात्य जितने भी आपके त्यौहार पर्व इवेंट ओकेजन्स होते हैं उनको हमारी जो जनरेशन है वो फॉलो कर रही है, तो उनको उस तरफ ना ले जा करके अपनी संस्कृति की ओर वापस मोड़ने के लिए, अपनी संस्कृति से अवगत कराने के लिए, भारतीय संस्कृति से अवगत कराने के लिए ये हमारा सबका एक प्रयास है कि आप ये वैलेंटाइन डे और किस डे और हग डे, चॉकलेट डे, टैडी डे, ये सब जो मनाते हैं बच्चों, जो मेन चीज़ है जो ईश्वर है उसका भी हाथ बाद में आता है, पहले हमारे माता पिता का हाथ होता है हमारे सिर के ऊपर। उनके द्वारा किए गए प्रयत्नों से हमें रोजी रोटी मिलती है, हमें रोटी मिलती है, खाने को, पहनने को कपड़े मिलते हैं, बाजार के खिलौने हमें अपने लगते हैं। किसके बदौलत? हमारे माँ बापों की बदौलत। माँ पूरी ज़िंदगी अपनी नछावर कर देती है अपने बच्चों के लिए, पिता बाहर जा करके बच्चों के भविष्य के लिए दिन रात एक कर देता है, पाँव में छाले या हाथ में छाले हैं यह हमें नहीं पता होता, लेकिन उन माँ बापों से पूछिए आप जो हम लोगों के लिए पूरी ज़िंदगी अपनी नौछावर करते हैं। तो हम सबका ये एक प्रयास है कि आप ये फालतू के जितने भी आपके पर्व ओकेजन्स हैं इनको ना मान करके, मेरी ये रिक्वेस्ट है सभी अपनी युवा जनरेशन से, सभी बच्चों से, छोटे छोटे बच्चों से लेकर युवाओं तक की, कि आप अपने माता पिता के महत्व को समझिए, उनको समझिए। यदि वो एक बार हमारी ज़िंदगी से चले गए तो वो वापस नहीं आ पाएंगे, केवल यादें रह जाएंगी। इससे अच्छा जब तक हमारे सामने हैं तो उनको जिंदा दिली के साथ उनकी पूजा करिए, उनकी बात को फॉलो करिए। जहाँ शिक्षा एक जुनून है, एजुकेशन इज अ पैशन।